कैसे आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ ट्राइफल कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सिर्फ एक पैन लिया है, इसमें 4 कप दूध डाला है और बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने भी इसको बॉयल होने के लिए रख दी। अब जो चीज़ें डलेंगी इसमें वो मैं आपको बताती हूँ। दूध में हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मैंने डाल दिया इसमें, 4 कप दूध में इलायची पाउडर मैंने डाल दिया। अब ये 4 चम्मच हम चीनी डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इनको मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमने मिक्स कर दिया है। अब दूसरी तरफ हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। दूध में हमारा बॉयल आ चुका है, अब हम कस्टर्ड को घोल लेंगे। कस्टर्ड पाउडर मैंने 2 चम्मच लिया है, थोड़ा सा हमने दूध लिया है, इसमें कस्टर्ड को घोल लेंगे। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को हमने घोल लिया है। ये मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, थोड़ा सा दूध में इसको घोल लिया है। अब हम इसको बॉयल्ड, अपना जो मिल्क है जो हो चुका है बॉयल्ड, उसमें डालेंगे। मिल्क हमारा अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। साथ ही साथ चम्मच आप चलाते जाएं ताकि लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करते ही ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा यमी सा कस्टर्ड। कस्टर्ड को पकते पकते 5 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, जब हमने कस्टर्ड को ऐड किया। तो अब देखिए माशाल्लाह से ये मैंने चम्मच चलाते रही हूँ तो इसमें लम्स नहीं बने। बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी मैंगो की खुशबू आ रही है क्योंकि ये मैंगो कस्टर्ड हम बना रहे हैं। तो ये हमारा डन हो चुका है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो उस वक़्त ये थोड़ा सा और जम जाएगा, तो इसीलिए हम बस इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बस इतना ही रखना है आपने। अब आप फ्लेम ऑफ कर दें। और कस्टर्ड पाउडर के लिए हर एक की चम्मच का साइज़ डिफरेंट होता है, तो इसीलिए आप का अगर 2 चम्मच से थिक ना हो कस्टर्ड तो आप 2 चम्मच और ऐड करके इसको थिक कर सकते हैं। बस अब इसको ठंडा करेंगे। अब ट्राइफल के लिए कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने दोबारा से एक पैन रखा है और 2 कप पानी हम डाल देंगे जेली बनाने के लिए। पानी में जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम जेली का पैकेट ऐड करेंगे। जेली मैंने बनाना जेली ली है, बॉयल आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे बनाना जेली का पैकेट ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से चम्मच चलाते रहें, जब ये तमाम जेली मेल्ट हो जाएगी तो फिर हम बर्नर ऑफ कर देंगे और फिर जेली को ठंडा करके साइड पे कर देंगे। अब तमाम जेली हमारी मेल्ट हो गई है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जेली को एक खुले से बर्तन में डाल देंगे। अब हम जेली को इसमें डाल देंगे ताकि हमारी ठंडी हो जाए। तमाम जेली मैंने डाल दी है, जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे अपने ट्राइफल पे। मैंने कट कर दिए तमाम जेली, हमने इस तरह से क्यूब्स फॉर्म में कटी। साथ ही साथ मैंने फ्रूट कॉकटेल ले लिया है, टिन में से मैंने निकाल के बॉक्स में डाल दिया है क्योंकि टिन में रखने से ख़राब हो जाता है। साथ ही हमने क्रीम लिया है 2 चम्मच, ये मैंने नट्स ले लिए हैं, और ये मैंने केक को इस तरह से छोटा छोटा हाथ से ही कूट लिया है। अब ये सर्विंग ग्लास लिए हैं मैंने, इनमें पहले हम केक डालेंगे थोड़ा थोड़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर ग्लास में इस तरह से हम केक ऐड कर देंगे पहले। कोई भी केक आप ले सकते हैं, चाहे आपके पास बच्चों के जो केक्स होते हैं, कप केक्स हो गए, वो भी आप डाल सकते हैं। फिर हम ये क्रीम ऐड कर देंगे कस्टर्ड में, इस क्रीम को हम मिक्स कर लेंगे। अब हम ये डालेंगे फ्रूट कॉकटेल, थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे, ये जेली डाल देंगे। देखिए तमाम ग्लासेस में मैंने जेली भी ऐड कर दी है, अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड हमने हर ग्लास में 1/2 कप डालना है, ऊपर से फिर हम उसी तरह से लगाएंगे लेयर। ये देखिए तमाम ग्लास मैंने 1/2 फिल कर दिए, फिर उसी तरह से आपने दोबारा से ऐड करने हैं पाइनएप्पल फ्रूट कॉकटेल का जो हमने ऐड किया था पहले फर्स्ट स्टेप में, इसी तरह से सेकंड स्टेप में भी आपने करना है।
देखिए तमाम ग्लासेस में मैंने डाल दिया फ्रूट कॉकटेल। अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर जेली ऐड करेंगे। उसी तरह से हर ग्लास में आपने जेली डालनी है। माशाल्लाह से देखिए कितना कलरफुल हमारा रेडी हो रहा है ट्राइफल फ्रूट कॉकटेल। फ्रूट कॉकटेल ट्राइफल रेडी हो रहा है माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा ट्राइफल हमारा रेडी हो रहा है। फिर से हम कस्टर्ड डालेंगे। अब इस ट्राइफल के ऊपर आप नट्स डाल दें। ये बादाम और पिस्ते मैंने क्रश कर लिए हैं मोटे मोटे। ये देखिए लीजिए हमारा ट्राइफल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। कितना ज़बरदस्त और कलरफुल हमारा ट्राइफल रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा रेडी हो चुका है। फ्रूटी कस्टर्ड ट्राइफल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। रोज़े में ज़रूर आप ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।